हेलो गाइस, राधे राधे, जय कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर चल रही है छोटी क्लिप है बेटे के बर्थडे पार्टी की। यहाँ सर एंजॉय कर रहे हैं, सब अच्छे से बैठे हैं, केक खा रहे हैं भाई, मौज मस्ती हो रही है। बेटे के बर्थडे की है ये क्लिप, मैंने सोचा लगा दे रही पूरी वीडियो में। बेटे के बर्थडे वाले दिन का ही व्लॉग है जो मैं अभी तक नहीं डाल पाई थी। पहले छोटा सा व्लॉग मैंने बर्थडे का डाल दिया था, लेकिन पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो मैंने आपको नहीं बताई थी। इस वीडियो में होने वाला है। अब आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि पूरी सुबह सुबह पूरा काम हो चुका है घर का और घर में, और मैंने तेल लगाया हुआ है बालों में, बाल धोऊंगी मैं आज, क्योंकि आज है बेटे का मेरे बर्थडे, तो इसलिए। और पसीने सुबह सुबह इतने आ गए काम में कि पूछो मत, हालत हो गई है ख़राब। यहाँ पर कान्हा जी के कपड़े सूखे हैं, बोरानी ने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है, घर का पूरा काम हो चुका है, मैं ही बची हूँ क्योंकि मैंने बाहर का भी काम किया है और बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो इसलिए अंदर कपड़े कर दिए हैं, स्टैंड पे डाल के अंदर स्टैंड कर दिया है। और वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर भी बहुत आवाज़ आ रही थी। ये वाला हेयर ऑयल लगाया है मैंने जो मेरा खुद का बनाया हुआ है मेरे हाथों का, लेकिन बोतल में मैंने डाल दिया है। अभी इस पर इससे ऐसे स्प्रे किया और थोड़ा सा तेल भी लगाया मैंने थोड़ा थोड़ा। ये देखो मैं दिखा रही हूँ बाहर की, बाहर सफाई हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और अब बाहर का काम निपटा के तेल वेल का बाल मैंने अभी नहीं धोए हैं क्योंकि पहले कर लेते हैं। घर में क्लीनिंग घर में ज़रूरी है करना, जो चादर वद्दर बैठ के बदल लेंगे, सब काम कर लेंगे हम। और ये गुड्डा ना बहुत बढ़िया लगता है हमारा, ऐसे बैठा रहता है बच्चों की तरह। सोचा हमने चलो इसको भी अच्छे से कर लेते हैं। बोरानी सिर पर पल्लू रखे है सूती चुनी, क्योंकि उसको बहुत गर्मी लगती है बहुत बुरी, और इनके पापा भी आए हुए हैं, इसलिए आराम से हम सारा काम कर लेते हैं। पति देव जी तो अभी बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर चादर वद्दर भी डाल देते हैं। अरे भाई, चादर डालना भी एक टास्क ही है, बहुत बड़ा टास्क है ये, क्योंकि चादर ही नहीं डलती अकेले आदमी से दोनों तरफ जाके। एक छोटा ही कमरा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डाल दी है हमने दोनों ने सास बहू ने मिलकर चादर। घर की साफ़ सफाई में अब पूरे लगे हैं। चादर आपको बेडशीट हमारी कैसी लगी बताना कमेंट करके ज़रूर। देखो कैसे हमारा गुड्डा पड़ा है ऊपर को पैर करे हुए, बहुत अच्छा है। ये भी एक बच्चे की तरह है भाई हमारे लिए, तो हम इसको इतना ही प्यार करते हैं, लेकिन ये गुस्से में आ जाता है भाई। क्या गुस्से में आएंगे बेचारे, बोल नहीं सकते। बोल रहा है इसका लाड़ कर रही है, देखो प्यार कर रही है, देख रही है, सभी इसका प्यार बहुत करते हैं हम। और बेडशीट उठा ली मैंने बाहर हमने दोनों ने, ये देखो इस वाले बेड पर भी हमने बेडशीट डाल दी है बहुत अच्छे से। सब कुछ काम हमारा बेडशीट का सब कुछ बदलने का हमारा हो चुका है काम, बिल्कुल बढ़िया। ये देखो कपड़े हमारे कितने हो गए हैं फिर से। इतने हम धो चुके हैं, अब ये चादर बेडशीट हम डाल देंगे मशीन के अंदर। वैसे कपड़े तो हमारे हाथ से धुल चुके हैं, ये हाथ से धोए हैं हमने, और बेडशीट और ये सब डाल देंगे अब इसके अंदर मशीन के अंदर, ये फटाफट से धुल जाएंगे बस। अब मौसम ठीक हो गया है तो इनको बाहर खींच देते हैं स्टैंड को, और बाहर खींच के कुछ कपड़े ज़्यादा स्टैंड पे कपड़े हो गए कि हवा नहीं लगेगी, फिर अब इनको बाकी को डाल देते हैं रस्सी पर, क्योंकि हवा में इतने स्टैंड पे नहीं सूखेंगे। बाकी को डाल देते हैं स्टैंड पे और कुछ रख लेते हैं तार पर, तो इसलिए फटाफट से हवा लग लग के ये जाएंगे सूख, बहुत अच्छे से सूख जाएंगे तो काम हो जाएगा। और यहाँ पर डाल देते हैं इसमें सर्फ मशीन में, इजी दोनों चीज़ें हमने
डाल दी है फटाफट से, और अब चल रही है हमारी बैठक की सफाई, जहाँ पर सोफे ओफे के कवर सब कुछ उतार लेते हैं, इनको इनको भी धोने डालेंगे अच्छे से। यहाँ पर है इसी का पानी जो बाहर रख देंगे, टब में डाल देंगे और बाहर नाली में नहीं डालेंगे इसको, ये भी यूज हो जाता है। अब मैं सोचा चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बोर आने लगी है पैर। सोफे ओफे की क्लीनिंग करने के लिए चादर, वो सोफे पर कवर डालने हैं दूसरे, क्योंकि आज है बेटे का बर्थडे, तो इसलिए सोफे के कवर भी चेंज कर लेते हैं, अच्छे से डाल देंगे, अच्छा लगेगा। यही तो त्योहार होते हैं, यही तो अपने घर में बच्चों की खुशी होती है बस, और जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। बच्चे की खुशी में खुश रहना चाहिए भाई। बहू रानी लगी है बिल्कुल सोफे को एकदम से सजा देगी, फिट कर देगी बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से सब काम हो जाएगा फटाफट से। और मैं लगा रही हूँ पोछा, ये देखो कवर मेरे सोफे के कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम बेस्ट, बिल्कुल बढ़िया वाले कवर अच्छे से डाल देते हैं। और बेड के सोफे के कपड़े का भी कलर यही, और सोफे के कवर का भी कलर यही, दोनों का सेम है, इसलिए हमने बहुत अच्छा कपड़ा लगाया है सोफे के कवर में। हमने खुद का लगाया है, खुद ला के कपड़ा अपनी पसंद का हमने लगाया था, हमें ऐसा वैसा कपड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, तो हमने इसमें कवर में सोफे के कवर जो है उसमें कपड़ा अपना खुद का लगाया। तो और यहाँ पर बन रही है अब ब्रेड पकौड़े, ये देखो ये सुबह का ही टाइम है बर्थडे वाले दिन का, यहाँ पर ब्रेड पकोड़े की तैयारी हो रही है भाई। ब्रेड पकोड़े ना बने सुबह को तो अच्छा नहीं लगेगा, शुरू से सुबह से ही शुरुआत कर दी थी हमने, अब नाश्ते में बन रही है ब्रेड पकोड़े, बेटे के बर्थडे वाले दिन का है ये वीडियो हमारा, और इतने टेस्टी रो, इतनी इसकी वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, ये तो छोटी सी वीडियो थी, आप लोग देखते रहिए और बने रहिए वीडियो में, फटाफट से बना देगी बहू, इतने जल्दी बना देती है कि बस मज़ा ही आ जाता है खाने में। ये देखो जी अब हम पूरे घर का हमारा काम फिनिश हो चुका है, ये पति देव भी लेटे हुए हैं, बेटा भी खड़ा हुआ है, बेटा भी चल दिया और मैं भी बन थन के चल पड़ी भैया घूमने के लिए, बनना थनना भी जरूरी होता है कभी कभी। और यहाँ पर बेटे ने गाड़ी निकाल लिया और मैं भी आ गई हूँ थैला लेकर, सोचा कुछ सामान लेना पड़ जाए, रहा सामान तो बहुत है लेकिन कुछ और भी ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए थैला लेना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आ चुके हैं हम भाई शॉपिंग मॉल में, जहाँ से ख़रीदना है हमें अभी बहुत सामान, यहाँ पर बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का और सब कंपनियाँ यहाँ पर है कपड़ों की, तो यहाँ से बेटे के ख़रीद लेते हैं कपड़े। ये देखो कितनी अच्छी जगह है भाई, ये ग्रीन ग्रीन सिटी है, यहाँ का फेमस फेमस है ये मॉल, इतने सारे मॉल है ना यहाँ पर, सब कंपनी के अलग अलग दुकानें, छोटे छोटे मॉल, बहुत अच्छा, मतलब इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में कि पूछो, मतलब लोग बाग यहाँ आते हैं शाम को, शाम को लाइटें जलती है और नाच गाना होता है, डांस वांस सब। ये देखो हम जा रहे हैं अब एक शॉप पे, अभी आपको लेके चलेंगे कौन सी शॉप पे हम गए हैं, तो ये देखो कितना अच्छा हो, बिल्कुल हरा भरा साफ स्वच्छ, बिल्कुल मतलब कमाल ही हो गई, आ गया है रेड टेप का शोरूम, और इसमें अभी भाई अंदर चलते हैं रेड टेप के शोरूम में, क्योंकि हर जगह अच्छा नहीं मिला तो हमने रेड टेप का ही सबसे बेस्ट लगा, तो अभी चलते हैं ऊपर। यहाँ पर सब तरह के जूते चप्पल सब, मतलब बिल्कुल एकदम बेस्ट सामान है, बिल्कुल अच्छा है और क्वालिटी तो भाई कमाल है कमाल, क्योंकि
क्योंकि हमने पहले भी यूज किया है। यहाँ पर बेटे ने पैंट ट्राई की है ब्लैक कलर की, पहले ब्लैक कलर की करी, फिर लेगा कोई और कलर, बस कहने को। वो तो ट्राई किया था, इसको ब्लैक बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पहले से है। और यहाँ पर हमने ले लिया है कपड़े सारे और पतिदेव की जेब करवा दिया खाली। ये है मेरा कुर्ता, बहू रानी के कपड़े, और यहाँ पर ये दिखा रहा था मैं ऑफर के, दिवाली पे ऑफर निकलने वाला है, ये मिल जाएगा आप लोगों को ऑफर अगर इतने के कपड़े खरीदोगे। और भाई हमने तो उससे भी ज़्यादा के खरीद लिए कपड़े, हमें तो ऑफर मिलना चाहिए। मैं कह रही थी, मैंने कहा हमें तो ऑफर ज़रूर मिलना चाहिए, हमने से उससे दुगने जितने खरीदने थे ऑफर के लिए उससे भी दुगने खरीद लिए। तो इसलिए भाई पता नहीं निकलेगा वो नहीं, लकी ड्रॉ चल रहा है, अब निकलेगा या नहीं निकलेगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर हमें इन्होंने जो कुछ बताया वो सुनना ही पड़ता है, आगे तो इनकी मर्जी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो रही है पैसों की बात, पैसा देने की, क्योंकि यहाँ पर पतिदेव की ही जेब कटनी है यहाँ पर, क्योंकि भाई वो ही कटवाएंगे और कौन कटवाएगा, है ना, उनके भरोसे ही हम हैं, वो ही लेंगे तभी हम पहनते हैं। यहाँ पर इतने सारे कपड़े हमने ले लिए हैं, बहुत सारे, मैं तो अपने लेने भी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए और बहू रानी के लिए सबके लिए कपड़े ले लिए। बेटे के भी पापा इनके नहीं लेते, इनके पास ऑलरेडी पहले से ही रहते हैं क्योंकि इनको मौका कम मिलता है वैसे कपड़े पहनने का, नहीं तो वर्दी वर्दी रहती हैं इनके शरीर पर, तो इसलिए नहीं मौका मिलता, कभी कभी पहनते हैं। तो इनके पास रखे हुए हैं वहाँ पर बहुत सारे कपड़े, तो देखो यहाँ पर भी नीचे भी वो मेंस जूते, शरीर पर सब तरह के जूते हैं, सब तरह के। वो तो अपने पास पैसा होना चाहिए, कितनी भी शॉपिंग कर लो भाई, अब दूसरी ट्राई करने जाएगा क्योंकि इसको वो पसंद नहीं आई थी बिल्कुल भी। तो हमने सोचा चलो इसको ट्राई करवा देते हैं, एक पैंट और ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सामान हो चुका है पैक, हम सामान लेकर अपना थैले में निकल गए हैं बाहर। यहाँ पर हो गई शॉपिंग और आ गए हैं हम बाहर शॉपिंग करके। और भाई देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा है भैया, पूरा ग्रीन सिटी बड़ा बेस्ट, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, मन भी लगता है। और पतिदेव चल दिया थैला लेकर और बेटा भी चल दिया है, यहाँ पर देखने में भी और शॉपिंग करने में भी जेब तो कटी जाती है लेकिन मज़ा आता है, अच्छा लगता है लेने देने, मतलब इंजॉय भी करो और शॉपिंग भी करो, ऐसा है यहाँ पर। यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है और भाई मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। पतिदेव की जेब कटवा के पहले कपड़े भी ले लिए और घूम फिर ले, इंजॉय कर लिए। खाना पीना हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं है, और दो गुना नहीं तीन गुना सबसे महंगा है ये। एक कॉफ़ी भी 250-300 रुपये की मिलती है, तो भाई क्या फ़ायदा हम लोगों को। ये देखो यहाँ पर हम अब चल दिए हैं अपनी गाड़ी में बैठ कर, शॉपिंग करके अच्छे से। ये देखो आप लोग, यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको, और जी हम आ गए हैं अब यहाँ पर केक वाली दुकान पर, जो अंदर मार्केट में मिलती है, बहुत दूर आना पड़ता है। केक वाली दुकान पर आ गए, पतिदेव और बेटा गए थे वहाँ पर केक की दुकान पर, बेटा आ गया, पतिदेव आ जाएंगे लेकर, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी पीछे गाड़ी पियो पियो बोल रही थी कि हटा लो गाड़ी। यहाँ पर आ गया है अब केक और ठंडे की बोतल मिली, अब दूसरी दुकान मिली तो वहाँ से ले लेंगे हम माजा वाजा की बोतल, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी अच्छी लगती है। और ये यहाँ पर पेटीज और केक लेकर ही आ गए हैं, बच्चे को वही पसंद था, बच्चा जो खाता है वही लेना पड़ता है, तो उसको पेटीज ही अच्छी लगती है, तो ये बार ले ली।
सब रेड पकौड़ा हम खा चुके थे, अब ये सामान हमारा आ चुका है और हम चल दिए घर की तरफ, क्योंकि बाल मेरे गीले थे बिल्कुल, इसलिए मैंने खोल रखा घर की तरफ, कभी नहीं चले। अभी ले रहे हैं सामान, आ गई है हमारी माजा की बोतल। भाई माजा तो मैं भी पी ली, तो माजा मुझे पसंद है, और कोई भी कोल्ड ड्रिंक मैं बिल्कुल नहीं पीती, सिर्फ माजा ही पीती हूँ। तो ये आ गया है सामान, पन्नी आ गई है बोतल की, तो बोतल रखने वाली। और अब चल दिए भाई अपने गंतव्य की ओर को, अपने घर की तरफ को। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप लोग इंजॉय करना, वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है। बहुत एक वीडियो को बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है, एडिट करने में उसमें कई घंटे लगाती हूँ मैं। आप लोग वीडियो को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं डाल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग रिस्पॉन्स देना, मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके तो ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती हो नहीं लगती हो, जो भी कमी रहती हो वो बताया करो हमें, वो बताना भी ज़रूरी होता है, पता चले कम से कम। और यहाँ पर आ गई है अपने घर, यहाँ पर दरवाजे खोल रहे पति देव जी, ये देखो कपड़े भी लेके चले और बोतल भी लेकर के चले। भाई बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत कष्ट कमाई से कमाते हैं पैसा। यहाँ पर वो रानी हटा देगी, चार भाई गाड़ी चला रहा है बेटा अभी, यहाँ पर रखती है कपड़े और बोतल। ये हो गया है हमारा घर क्लीन बिल्कुल, जो कपड़े वपड़े हमने रख दिए हैं भाई आ करके। केक भी रखा गया है, काम सबसे पहले अपने कान्हा जी को खिला देते हैं, कि भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं कि बच्चे की उम्र बड़ी करे, हमारे बच्चों का सब कुछ खुशी में लगे हुए हैं भाई, अपने बच्चे की खुशी में सब कुछ अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम सब हो चुके हैं रेडी, बेटे ने पहन लिया ड्रेस जो आज ही लेके आया है, तो ड्रेस आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। और भाई अब हो गया है शाम का टाइम, जो बना रही है छोले भटूरे, और यहाँ सब बैटर तैयार हो चुका है छोले भटूरों का सब कुछ। वो रानी इतने टेस्टी बना लेते क्या बाहर गिर क्या भैया कहा खाए, इनको खा के तो बाहर का बिल्कुल भी खाना आजकल हमें अच्छा नहीं लगता। और सब कुछ तैयार हो चुका है, इसमें डाल दिया छोला का, आगे बनाए छोले हमारे छुक चुके हैं, और ये देखो कैसा कलर हो गया, बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी बने थे। आ जाइए आप लोग भी दावत खा कीजिए बेटे के बर्थडे के लिए। यहाँ पर अभी भटूरा काटा सही हो रहा है, जो पहले बना के रख दिया था, तो इसको अभी बनाएंगे आटे के भटूरे और खाएंगे, इंजॉय करेंगे बेटे की। भगवान करे लंबी उम्र दे मेरे बच्चों को, किसी की नज़र ना लगे मेरे ऊपर। तो यहाँ पर भटूरा बनने लगा, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बना वैसे